नमस्कार, मैं उत्तम कुमार आपके पसंदीदा कार्यक्रम साजिश में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपसे पूछा जाए क्या साजिश फिल्म की तरह रियल लाइफ में भी ऐसी कोई घटना हो सकती है जहां पुलिस की आंखों के सामने सब दबाया हुआ हो और पुलिस को पता ही ना चले, यकीनन हम कहेंगे हाँ। जी, ये घटना है गाजियाबाद के सिकोड़ का। 29 नवंबर 2018 को चंद्रवीर नाम के एक व्यक्ति के गुम होने की पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है उसके बड़े भाई के द्वारा। इसके कुछ समय बाद चंद्रवीर की पत्नी सविता अपने जेठ और उसके लड़के पर इल्जाम लगाती है कि उनके पति चंद्रवीर को उन्होंने मार दिया। इस केस में पुलिस छानबीन करती है, पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। धीरे धीरे करते करते इस केस को 4 साल बीत जाते हैं। इधर हकीकत में जो हत्यारे थे वो बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। आखिरकार ये केस क्राइम ब्रांच के हाथों में पहुंचता है। क्राइम ब्रांच की टीम सिकोड़ गांव में डेरा डाल देती है। एक दिन पुलिस को वो सबूत आखिर मिल जाता है, वो गवाह आखिर मिल जाता है जिसकी उसे इतने सालों से तलाश थी। जी, चंद्रवीर की दोनों बेटियां जो इस केस में मुख्य कड़ी का काम करती हैं। क्राइम ब्रांच की टीम चंद्रवीर की बेटियों से मिलजुल बढ़ाती है, उन्हें विश्वास में लेती है और उनको बताती है कि तुम्हारे पिता को इंसाफ मिलेगा और उन हत्यारों को सजा मिलेगी जिन्होंने तुम्हारे पिता की हत्या की। अगर तुम्हें इस बारे में कुछ पता है तो हमें बताइए। क्या तुम्हारे पिता का किसी से झगड़ा होता था या किसी बात से परेशान थे? चंद्रवीर की बेटियों ने बताया कि अक्सर सामने रहने वाले अरुण अंकल के कारण हमारे घर में झगड़ा होता। अरुण अंकल का हमारे घर पर काफी आना जाना था जिसको लेकर उनके पिता उनकी मां सविता से झगड़ा किया करते थे। बस फिर क्या था, पुलिस के लिए तो ये खबर ये सूचना पानी में तिनके के समान थी और इसी तिनके से उन्होंने पूरे केस को सुलझा। पुलिस ने सबसे पहले अरुण को गिरफ्त में लिया और जब अरुण को गिरफ्त में लेने के बाद उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए और इस केस की सारी परतें खुल गई। अरुण ने बताया कि सविता जो कि पहले से शादीशुदा थी उसके 2 लड़के वो अपने पति को छोड़ के आ चुकी थी और चंद्रवीर से उसने शादी की। कुछ समय ऐसे चलता रहा। चंद्रवीर से सविता को एक लड़का हुआ। दोनों के रिश्ते सामान्य चल रहे थे। इसी बीच सविता की मुलाकात सामने रहने वाले अरुण से। धीरे धीरे अरुण और सविता में नजदीकियां बढ़ने लगी। कई बार तो चंद्रवीर ने सविता और अरुण को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था जिस कारण उसकी सविता से लड़ाई रही। आए दिन चंद्रवीर शराब पी कर आता और इसी बात पर अपनी बीवी सविता से झगड़ा किया करता था। एक दिन सविता और अरुण ने चंद्रवीर
का कत्ल करने की योजना तैयार की। इसी के तहत अरुण ने अपने घर में गड्ढा खोदना स्टार्ट किया। पूरी योजना के मुताबिक अरुण ने अपने घर में 6 से 7 फुट का गड्ढा किया। एक दिन जब चंद्रवीर शराब पीकर अपने घर पर आया और सविता से झगड़ा कर लिया, उसके बाद चंद्रवीर खाट पर लेट गया। जब सविता ने देखा कि ये पूरे नशे में है और सो गया है, तभी सविता ने अरुण को फोन कर दिया। अरुण वहां पर पहुंचता है। उसके बाद अरुण ने पूरे योजना के मुताबिक चंद्रवीर के सर में गोली मारी। चंद्रवीर का खून कहीं फर्श पे ना बहे, इसके लिए पहले से ही उन दोनों ने उसके सर के ठीक सिदाई में खाट के नीचे एक बाल्टी रख दी, ताकि सारा खून उस बाल्टी में चला जाए। इसके बाद उन्होंने देखा कि कहीं चंद्रवीर की पहचान ना हो जाए, क्योंकि चंद्रवीर के हाथ में एक कड़ा था जिसपे चंद्रवीर का नाम गुदा हुआ था। चंद्रवीर का उन्होंने हाथ काट कर वो कड़ा निकाल लिया और हाथ को जंगलों में फेंक दिया। इसके बाद पूरी योजना के मुताबिक चंद्रवीर का शव अरुण ने अपने घर में उस 6 से 7 फुट गड्ढे के नीचे दबा दिया और 4 साल तक वो इस बात से बेखबर कि एक ना एक दिन पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, उन तक पहुंच जाएगी। वो उसी शव के ऊपर सोता, वहीं पर खाना खाता, वहीं पर बैठता था। लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पुलिस इस तरीके से उन तक पहुंच पाए। जब चंद्रवीर की बेटी ने यह बयान दिए कि अरुण अंकल का हमारे घर आना जाना है, तभी पुलिस को बुलाओ। इसके बाद पुलिस ने वो जगह खुदवाई। जगह खुदवाने के बाद उसके अंदर से चंद्रवीर का कंकाल निकला। फिलहाल पुलिस ने उस कंकाल को टेस्ट के लिए लैब भिजवा दिया और दोनों हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में हैं। अभी तक के लिए इतना ही। तो आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये केस मर्डर मिस्ट्री कैसी लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। मैं उत्तम कुमार आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।